आमीन हाँ आमीन करो। कैसे बने हुए हैं सब लोग? खोजो चावल खोजो ही लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह जी इसमें रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग जी एन ओ सात बसमिल्ला। सुबह सुबह का टाइम है आज, जो है ना आज की सुबह बहुत ही मज़ेदार होने वाली है इंशाल्लाह। दुआ करते हैं इस वक्त टाइम पे जो बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा दे, जो परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर फरमाए और सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। आज और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें सब्सक्राइब, फिर आज की मज़ेदार वीडियो करते हैं शुरू। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार और ख़ास होने वाली है क्योंकि आज जो है ना बनाने वाले हैं मेहमान के लिए और पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ी दावत। मौसम देखें सुबह सुबह, इंशाल्लाह सूरज निकलने के चांसेस हैं, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानता है। अभी तक हवा नहीं है, आप लोग देख सकते हैं बेगम साहिबा भी उठ गई हैं और लगा रही हैं झाड़ू, फिर से वो नीचे जा रही हैं। आप सामान ले गई थी, आपने थोड़ी उठाई नहीं है किचन। इधर इधर साइड पे पड़ी थी। हाँ तो सबसे पहले इधर किचन में जो है ना झाड़ू लगा रहे हैं ताकि यहाँ से काम स्टार्ट करना है। भाई साहब ने, भाई साहब भी उठ चुके हैं सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा हमारे कुकिंग साहब तो सोए हुए हैं तो कुकिंग कौन करेगा। अम्मी जान भी उठ गई है, वो देखें हमारे कुक तो सोए हुए हैं। कुक हाँ जी, ऐसे कहते हैं ना जो वो होटल पे काम करते हैं, ऐसे कहते हैं ना ये कुक हैं। हाँ कुकिंग मास्टर को कुक बोलते हैं। कुकिंग बोलते हैं, कुकिंग तो वो होती है जो जो बनाते हैं, बनाने वाले को कुक बोलते वो हम कुकिंग करने वाला बोलते हैं, लेकिन हम जो है ना वो मिल में थे ना तो मिल में हम जो हमारे लिए खाना वाना पकाता था हम उसको कुक बोलते थे। ये भी हमारा कुक है। हाँ हम सोए होते हैं पर जाग रहे होते हैं। आज के दिन का ये हमारा कुक मास्टर है। दो तीन घंटे के लिए। कैसे अम्मी जान? गुड मॉर्निंग, कैसी है? ले आओ छह मण का बर्तन। छह मण का कहाँ से ले आएंगे? पता नहीं है, देख लो, लगता नहीं है। वो देखे सुबह सुबह ढेड़े किस तरह शोर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी आग जल चुकी है और इधर ये चावल कुछ इधर डाल दिए हैं कुछ उधर डाल दिए हैं, ये भिगो के रखने हैं। हाँ जी, धो के फिर भिगो के रखने हैं। चलो सही है, वो देखें कुछ ले आई है भिगो के। अब पहले मेरे ख्याल चावल बॉयल करेंगे इंशाल्लाह। वो अभी भी खेल कला बुड्ढी बती। हाँ जी, क्या कर रही हो? हाँ ओए 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 ओए, सुबह सुबह दादी खिला रही है, सुबह सुबह उसको मूली बना के आ गए हो। आश्रय थी मजे का आश्रय थी फूफो के साथ। फूफो लाल किल देख रहे हैं वे। हाय 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 हाय, दुआ बीबी गंदी बाली है, गंदी है, सवेरे सवेरे उठी हंदी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आ गया जी पानी वाला देगड़ा। हाँ जी, इसमें चावल बॉयल करेंगे। हाँ जी सही है, आग अभी माशाल्लाह काफी अच्छी जल रही है। हाँ जी, ये वाली लकड़ी सही है। हाँ माशाल्लाह अच्छी जलती है, पिछली वाली ने इतना जलील किया, इतना जलील किया। हम लेने गए तो लेने का इरादा ही नहीं था, हम खाली वापस आ रहे थे। हाँ जी, फिर उसने कहा ये ले जाओ, ये कुल्हाड़े से चीरी हुई है, ये अच्छी जलेंगी। मैंने कहा ठीक है, फिर ये ले आए। हाँ शापर के साथ कुश्ती करो। ये आ गया जी मिसालों वाला शापर, लहसुन अदरक धनिया वगैरह 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 वगैरह। हाँ लहसुन नहीं है, मिला नहीं था क्या? हाँ था, भूल गया था वो। फिर ऐसे बनाओगे आज?
और थोड़े मिसाले है। अच्छा चलो जी सही है, ये भाई साहब अपने मिसाले अलग कर रहा है और जो बेगम साहबा ने कढ़ाई बनानी है उसके मिसाले अलग हो रहे हैं। वो वाला ये इसमें कचरा है, ये वाला लो वो दिया है आपको। इसके बीच थोड़ी डालना है, बीच में नहीं डालना तो आपकी मर्जी, जिधर मर्जी करो, लेकिन मैंने तो सीधा मशवरा दिया है ना। ये धनिया आपने कौन सा ऐसे सीधा डालना है? नहीं डालना नहीं है, ऐसे सीधा कटाई जल्दी होता है। ये आपके प्याज, ये अभी जी मिसाला बांटा जा रहा है, ये देखें बंटवारा हो रहा है मिसाले का बंटवारा हो रहा है। नींबू आपको भी नींबू चाहिए क्या बेगम साहबा? अच्छा चिकन में नहीं डालते है? अच्छा, भाई साहब बनाएगा चावल और बेगम साहब बनाएगी चिकन। आपकी बेगम साहब बनाएगी चिकेड़। चिकेड़ चिकेड़। अंदर जो है ना बीबी अवे शाहजेब उठ के हंस रहे हैं कभी कभी उठ के रोते हैं, कभी कभी उठ के खेलने लग जाते हैं। हाँ टमाटर बिल्ली पकड़ी बैठो। हाँ, पूछड़ क्यों करें दिए? आपको मारती है पूछड़। चलो आप बाहर जाओ, हाथ मुंह धो, मस्जिद जाओ, उठो। आप बीबी आप नहीं जाओ, अवेश जाएगा। हैं हैं? हाँ वो अवेश जाएगा, अवेश। हाँ अवेश भैया। हाँ कौन है? हाँ अवेश भैया, हम बना रहे हैं बिरयानी। बिरयानी पका रहे हो? कौन पकाएगा? चाचू पकाएगा। आज सब लोग पता है ना बिरयानी चाची ही पकाता है और कोई भी पकाता। हाँ आज जो है ना बोटे वाली बिरयानी पक रही है। और भी आ रही है, वो देखो पीछे से वो आ गई, ये आ गई है। हाँ ये नींबू डालेंगे, अदरक डालेंगे, ये टमाटर डालेंगे। बीबी भी आ गई है उठ के। टोपी पाओ टोपी। हाँ क्या पक रहा है? वो देखो बिल्ली के काम देखो, चढ़ी हुई है। शहजेब क्या पक रहा है? धूप निकल रही है माशाल्लाह। डू टमाटर पक रहे हैं क्या? बिल्ली टप्पा खा रहे? बिल्ली कह रहा था चढ़ी बैठी है। चाचू वहां पे तो चढ़ी बैठी है। शेबू तो चढ़ी बैठी है, लेंद्र की थी भैया शेबू तो। इवन ना सवार दे होता है इवन ना। हां मुंह धोया है? कोई जाएगा तो मुंह धुलाएगा ना। मुंह धोए नहीं पिए? कौन धोए सी? अम्मा। ये कौन है? अम्मा छोटी। माशाल्लाह सूरज निकल रहा है वो देखें। और अली भाई और अक्सा बीबी आ गए हैं। अक्सा बीबी आ गई है तो नवे कपड़े पहन बैठी। दो दिन तो ये फुंडी बदी आवे है ना। हैं हुण शादी मुक गई है। हां की भी शादी तारो वो लप्पे भरेंदी पिए विचू इमे हाथ बोली है यही। माशाल्लाह जी पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें जो है ना चावल डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह करके ख्याल से वो देखना ना।
बर्तन ही ऐसे चावल में भिगोए हुए हैं। हमारे बर्तन ही ऐसे हैं, वो बाहर जा रहे हैं और भिगोए वैसे हैं कढ़ाई में। बूढ़े काम नहीं करता, प्लेट से डाल दो, सियाने काम करता है भाई साहब ऐसे। अब देखा सही है, वो थाल में होते हैं ना वो आसानी से चले जाते हैं, इसमें नहीं जा रहे थे। ये सारे एक बार में आ जाएंगे या नहीं, नहीं आएंगे? अब तो फिर क्या करना ना, जब ऐसे चावल पकाओ ना तो देख ले हम किराए पर 10,000 का खर्चा करना। अच्छा, जो वो क्या तरीका है ना, चावल बनाने वास्ते वो बड़ा सा पतीला ले आओ। अगली बार मैं ऐसा पतीला ले आऊंगा कि उसको 3 बंदे उठाएंगे, देखना इंशाल्लाह। 3 बंदे उठाएंगे और 3 बंदे उसकी धुलाई करेंगे। वो आपकी मर्जी है, धुलाई आपने करने है, हमने थोड़ी, आपने कहा हम ले आएंगे बस। हाँ जी, इसमें गुजारा नहीं होता है, 8 था इकट्ठे करो। फिर भी आसन बेटा बोलता है कि थोड़े था है, छोटे था है। हाँ, वो देगों में पकाता रहा है ना, अभी आपके पास कहाँ है देगे। लाया था कंधा ना वाला, वो बड़ी बड़ी सी है, देख लिया था। हाँ जी, ये देखें मौसम किस तरह का होता जा रहा है, बादल की टुकड़ियां बन रही हैं और सूरज फल निकल आया है माशाल्लाह। माशाल्लाह बॉयल हो चुके हैं, आधे रखे हुए हैं। हाँ जी, शेबू क्या पक रहा है? क्या पक रही है, जोर से बोलो, बोलो जोरदार है। बिरयानिया। कितनी बिरयानिया पक रही है, दो बिरयानिया पक रही है। माशाल्लाह खाना तैयार हो गया है, गुड मॉर्निंग, उठ गए? हाँ, भूख तो नहीं लगी होगी। गुड मॉर्निंग, उठ गए। हाँ जी, ये मेरा स्टाइल है ना, खाना भी तैयार हो रहा है बता दिया है, फिर ये भी पूछ लिया है कि उठ गए हैं, फिर गुड मॉर्निंग भी कह दिया है। सब चीजें एक साथ। कितनी देर है? 5 मिनट। इसको ज्यादा ना बॉयल कर देना, फिर वो भात तो बन जाए। हम तो ऐसे चिकके चिकड़ करेंगे, भात ना बन जाए ना। कहाँ से गोला है बोछण। बस ये दोनों जो है ना बैठे हैं आगे आगे, ये बड़े खुश होंगे। हाँ, ईद हो गई, बड़ी ईद हो गई, पक रही है। हाँ, माशाल्लाह जी, चावल बॉयल हो चुके हैं। अब जो है इसके ऊपर जो है ना पानी निकाल रहे हैं भाई साहब, वो देखें, परते हो जाओ, तत्ता पानी होगा। वाह, ये देखें, ओ हाथ जल गए। शेबू क्या है, चलो पानी भी टीना पे। मोटा कपड़ा है, मोटा मोटा कपड़ा है ना, पानी अभी भी, पानी अभी भी बहने। हाँ, ठट्टा पानी नहीं, तत्ता पानी है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह जी, दूसरे जो चावल रखे थे वो बॉयल करने के लिए डाल दिए हैं। शेबू क्या ले आए हो, थाली? वो चाचू को दो, टमाटर कटेगा अभी भाई साहब जो है, ये देखें मिसाले काट रहा है अपने डिजाइन के छुरी, ये कल नमी ले आए हैं तो आसन भाई ने अपनी उंगली का भी परछा लगा लिया, वो देखें छुरी ना तेज थी, तीखी छुरी है। ये देखें जी, दूसरे जो चावल थे वो भी बॉयल करके रख दिए जी। हाँ, चावल वो भी बॉयल हो चुके हैं, अब जो है ना चिकन रेडी करेंगे माशाल्लाह। ये देखें चिकन भी धो के अल्हम्दुलिल्लाह रख दिया है हमने, इसको ढक दे, कहाँ गई है बेगम साहबा। ओ, बिल्ली आगे आ रही है, इसको ढक के नहीं गई। मिसाले शिसाले अपने रेडी करो जल्दी जल्दी से, फिर जो है ना। माशाल्लाह जी, ये देखें भाई साहब के अपने डिजाइन के मिसाले कटे हुए हैं। बेगम साहब अभी चिकन चढ़ाएंगी, दादी आ गई है, दादी आ गई है, तो जाका नहीं बढ़ाई। आज बन दी पिए दावत है बिरयानी। अच्छा, हाँ, तेको वाला स्पेशल दावत थी गया है, भज दिया मीमला।
दादी साइड फुल जबरदस्त धूप निकल आई है। हां हमारी दादी के गोड़े छोड़े साइड नहीं होते इसलिए मैं अदरक बीच में कच्ची डाल रहा हूं। हां आधे कच्ची अदरक सटे ना प्या मला तेरे गोड़े छोड़े ठीक थी वैसे ना घी चावलों का घी भी इधर डलेगा चिकन का भी इधर डलेगा ये हिसाब लगा लो। भूसा पकड़ इसको काम यही गुस्सा करने वाला आता है और तो मुझे लगता है कोई नहीं आता है। हमारा काम ही ऐसा है। माशाल्लाह जी घी जो है वो गर्म हो चुका है अभी इसमें ऐड हो रहे हैं मिसाले डालो बिस्मिल्लाह पढ़ के ध्यान से ज्यादा गर्म हो गया है अब ठीक है ऐसे लगता है जैसे पकोड़े तल रहे हैं अब ठंडा हो गया है ये देखें पहले पहले तो शौ शौ जैसे जहाज चल रहा हो ना ऐसे चल गया अभी ठंडा हो गया। टमाटर और प्याज का पानी था ना वही जब क्या है फिर जहाज चलने लग गया। अब देखें जबरदस्त माहौल। हाँ जी हाँ जी अभी ये अदरक डाल रही है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन तो मेरा ख्याल था नहीं नहीं ये सिर्फ अदरक है। अच्छा भूख लग रही है सुबह नाश्ता नहीं किया है ना रात को भी थोड़ी सी रोटी खाई होगी। रात भूख नहीं थी तो थोड़ी सी दो चार बुर्कियाँ लगाई थी तो अभी जो है ना बहुत भूख लगी है इसलिए देख रहे हैं कब तैयार होगी तो कब खाएंगे। हाँ अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द तैयार होने वाली है कोशिश में लगे हुए हैं हम दो तीन जो है ना कुकिंग करने वाले मैं भी हूँ बेगम साहबा भी है आसन भाई भी है आग माशाल्लाह आग भी फुल जलाई हुई है माशाल्लाह आग जल रही है। हाँ लकड़ी सूखी है। हाँ लकड़ी बहुत अच्छी है ये वाली लकड़ी माशाल्लाह सही है ये वाली पिछले वाली जो लेके आए थे बहुत अच्छी चलती है ये चीनी वाली होती है। हाँ साफ़ी होती है वो नहीं चलती उसको आग देर से लगती है कुल्हाड़े से काटी हुई है वो दूसरी जो आरे से काटते हैं वो भी नहीं जाती। हाँ माशाल्लाह जी लाल मिर्चें भी ऐड हो चुकी हैं सोनी सोनी बोटियां ये देखें बोटियां तो सोनी सोनी बनवाई है ये इसलिए रत्ती लग रही है लाल क्योंकि चावलों की भी मिर्चें इधर ही डाली हैं चिकन की भी इधर डाली हैं इसलिए लग रहे होंगे कि ज़्यादा मिर्ची डाली है लेकिन ज़्यादा नहीं बराबर हो जाएगी। ओ, चावल भी बहुत हाँ अब जी नमक भी ऐड हो गया। हाँ जी मज़ेदार बन सकता है मसाला हाँ रोटी भी खा सकते हैं लेकिन मिर्चे नमक ज्यादा होगा। मैं कह रहा था कि जब चिकन कढ़ाई बनाते हैं ना उसमें इतना सा मसाला हो ना तो फिर वो वीएपी बन जाएगी चिकन कढ़ाई उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होगा जबरदस्त चिकन बनाओ या तो बड़ा गोश्त बनाओ तो मसाले बहुत ज्यादा हो जितना ना बहुत ही अच्छा बनता है। हाँ अभी ये आसन भाई कह रहा था कि 500 का कल मसाला लिया है। चलें जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अब जो है ना इसमें चिकन ऐड हो रहा है आराम आराम से ये देखें जी चिपका हुआ था भाई साहब चिकन ऐड हो चुका है अब तो लगता मुझे देख के लगता जैसे कढ़ाई भी छोटी हो गई है। हाँ कढ़ाई भी छोटी हो गई है ये भी तकरीबन कितनी 4 kg चिकन है कढ़ाई भी इतनी बड़ी नहीं है। अच्छा भला सूरज निकल रहा था फिर क्या होगा वो देखें एक कलेजी खाने वाली थी एक आज ये सवेरा नहीं आई वो कलेजी खाने वाली कॉल की है उनको आए नहीं पता नहीं कहाँ गए हैं नहीं वो कलेजी खाने वाली और थी। हाँ वो और थी वो आपकी सिस्टर थी मैंने समझा वो मरियम जहद वाले उनको कॉल की है वो अभी तक आए नहीं पता नहीं आते हैं कि नहीं
माशाल्लाह जी चिकन लुक देखें, माशाल्लाह जबरदस्त लुक हो गई है। माशाल्लाह जी हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। कैसे तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी कहते हैं आपको महंगी पड़ गई है वाकई में? हाँ, मरियम को महंगी पड़ गई। मरियम और मरियम के बच्चे। हाँ, अब कुछ नहीं बचे। अब जो है ना ये सर्दी है ना, फिर मौसम चेंज हो रहे हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। फिर बच्चों ने कुछ ऐसी चीजें खाई होंगी। मुझे लगता है बच्चों ने जो है कुल्फियां खाते रहे, आइसक्रीम खाते रहे। हाँ, वो तो मेरे एक एक ले आए थे। मैंने उनको फिर कहा, मैंने कहा आइंदा के बाद अभी नहीं लेनी, अभी मौसम नहीं आया है इनका, इस वजह से जो है ना बीमार हो। हाँ जी, चले अभी खाना तैयार हो रहा है, बस थोड़ी कितनी देर है पूछ रहे हैं कुकिंग साहब। कितनी देर है? बस थोड़ी सी देर है। थोड़ी सी देर है। टाइम क्या हो गया? टाइम जो है ना 9:30, 10 बजे हो जाएगा रेडी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 10:30 बजे होगा। 9 हो गया ना? हाँ, 9:30 हो गए हैं अभी, 23 मिनट है। 10 बजे पूरा तैयार हो जाएगा, 10:30 अभी आधा घंटा इसे लगेगा, आधा घंटा दाम को लगेगा ना। अच्छा अच्छा, चलो जी, ये थोड़ी ना होता है गोश्त डालने वाला। सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल। हम और सब्र करेंगे और अच्छी बिरयानी बनेगी। ये देखें चिकन रेडी हो गया है। अब जो है ना भाई साहब बेच के में घी डाल रहे हैं और सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं बसें चल रही हैं नहीं चल रही हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना। नाश्ता भी नहीं होया क्योंकि अभी जो है ना दावत बन रही है, तो हम जो है ना अपने जाने की वो परेशानी फिक्र में लगे हुए हैं। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ध्यान करना पीछे जी, देजके को जो है ना तय लगा ली है। आप जो ये वाले हैं इस पतीले में तय लगा रहे हैं भाई साहब और ससुर जी साथ मिलके, मेहनत जारी है, देखते हैं अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। शेबू क्या पक रहे हैं? ये क्या लाची है? मैंने कहा पता नहीं क्या है। और तो थी ये थोड़े से चावल डाल दिए हैं, अब इसमें देखें चिकन ऐड करेंगे। तह लगेगी अब, तह। हाँ, चिकन की तह लगेगी। हाँ ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। क्या खाओगे शेबू? बोटियां खाओगे? यक्के खाएंगे? आप खाओगी? अवेची खाएंगी? हाँ, ये देखें स्पेशल में सूखे थी वे ना, फिर जो है ना ये वाला मसाला। हाँ, ये पकड़ो पकड़ो बेगम साहिबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये और डाल रहे हैं इसके ऊपर, ये देखें। हाँ जी, हाँ कोशिश करूंगा, बड़ा पतीला ले आऊंगा। हाँ पतीले खुला, हाँ पतीले में बहुत अच्छा निजाम बन जाता है। ये पतीले हमारे छोटे हैं ना, बड़े ले आएंगे फिर उसमें बड़ा सा हो, 20 किलो का। हाँ, ये अभी आधे उधर दहेज के में डाले हैं, आधा आधे इसमें डाल रहे हैं। सिस्टम ही चेंज कर दिया है सारा, फिर मिसाले का घाटा वाधा हो जाता है ना। हाँ जी, ऐसे एक जगह फिर वो अच्छे इंशाल्लाह वो भी ले आएंगे। ये जी तह लग गई है इसकी, ये देखें जी, फिर से ऊपर से चिकन डाल दिया है। अब वो वाला मसाला डाल के ये देखें, अब फिर इसको भी दम पे लगा देंगे।
कोयले बाहर निकालें और उसके नीचे आग भी दें। ये देखें वाओ किस तरह बन गया है। ये कोयले निकाल के ऊपर रख दिया है, ये देज का भी और ये पतीला भी दोनों ही रख दिया है। ये अभी इनको दम दरूद आ रहा है। चलो कोई सा भी दे दिया तो क्या है, ढक्कन भाई साहब से पूछो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी इसमें अभी कलर ऐड हो रहा है हैदराबादी बिरयानी का। माशाल्लाह लुक इज वेरी ब्यूटीफुल लग रही है। और वहां पर देखे बच्चे सारे भी आ गए हैं। अब इधर भी ऐड हो रहा है माशाल्लाह। ये आ गया चम्मच जाली वाला। हाँ शेबू क्या खाओगे? हाँ तू डर गया? अच्छा चम्मच सड़ गया। चलो उधर साफ ते बैठो, हम लेके आ रहे हैं। चलो चलो सारे इधर बैठ गए हैं, आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। शेबू क्या खाओ से? चावल खोजो। और तो देख हाँ और डस क्या खोजो? चावल खोजो ही। हंस हंस के जो है ना पागल हो रहे हैं चावलों को देखकर। हामिद भाई भी आ गए हैं, आ जाओ आ जाओ। रिहान भाई आप भी आ गए हो वीडियो में, अभी लुकने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ बैठ जाओ इधर माशाल्लाह। और रिहान भाई मेरा कज़न है, मैं फिर से बताता चलो, फिर बहन भाई पूछेंगे कि वो कौन है। हाँ चम्मच और ले आएंगे। हाँ चावल जो है अम्मी पाना स्टार्ट कर दिया है और दुआ करवाते हैं अम्मी जी के लिए। और यूके से हमारी एक अम्मी है और उनके बेटे के लिए दुआ करनी है मोहम्मद नदीम। हाँ दुआ करवा दें उनकी सेहत के लिए, बीमार रहते हैं इसलिए। दुआ मंगो। آمین اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم آمین اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمین ويشفع صدور قوم المؤمنين وشفاء لما في الصدور الوان فيه وشفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين آمين وإذا مرضت فهو يشفين قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء آمين من الله يشفلتنا فجد بجن خيرات قرآن وخير من الله ونجي خيرات اپنے بارگاہ دے مجھول کو نقل فرما بنا مولا آمين من الله ونجي بیت نظر عمال کو تقریب رہنے بنا مولا شفائے کاملہ عالی عطا فرما بنا مولا نتیم نتیم تمام مسلمانوں کی خیر فرما بنا مولا آمین میرا اللہ میرا اللہ میں کے گھر سے برکت عطا فرما بنا مولا آمین جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عالی عطا فرما بنا آمین مجنی گڑھ پال کے ساری امت رحم فرما بنا مولا آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و علی و صحابہ اجمعین آمین آمین کرو آمین ہاں آمین کرو آمین کرو ایسے آمین آمین ماشاءاللہ جی بچے سب جو ہیں آ چکے ہیں سب بھی کھا رہے ہیں دعا بھی کروا دی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں پانی بھر دو ادھر نانے کو بھی ادھر بھی بھر کے رکھ دو ماشاءاللہ آئیں شروع کریں چلو آپ نے نہیں کھانا کیسے بنے ہوئے ہیں टेस्ट नहीं किए हाँ उसमें डालें चलो खाते हैं चलो।
हाँ ये आपका व्लॉग आपके साथ बैठता है। ये देखे नानी जान भूल रही थी वो दादी जान, नानी को बुलाया है नानी, दूसरी आई नहीं बड़ी नानी, तो छोटी नानी ये बैठी है नानी की जो अम्मी है, सब चीज की तो बुलाते हैं और नहीं आती, वो आती है मैं नहीं आना है। मैं क्या अच्छा, हाँ दादी को भी दो बर्तन मुक गए, बेगम साहब बर्तन है तो ले आओ। हाँ जी आपने बताया तो नहीं कि कैसे पके हुए हैं, हमारे लाइट जा रहे हैं की तरफ, लाइट जा रहे हैं, लाइट जा रहे हैं। आसन भाई लाइक इकट्ठे कर रहा है, सब लोग खाना खाएंगे वो लाइक खाएगा। इसीलिए तो आसन भाई को कुकिंग मास्टर बनाते हैं, लाइक ज्यादा मिलते हैं, हमें तो कोई लाइक ही नहीं करता हमारी वीडियो को। इंशाल्लाह अभी मैं अपने बच्चों से पूछ लूं, शेबू क्या खा रहे हो है? देग में पकाया करें, मिलती है छोटी छोटी देग, हाँ वो तो मिलती है जी। चावल खा रहे हो, हड्डियां उधर बिल्ली को खवाओ, खिला दिया। हाँ चलो इंशाल्लाह थोड़ा सा हम टाइम का भी फायदा हो जाएगा, जब फुर्सत होगी तो ले आएंगे इंशाल्लाह। बोटियां भी खाओगे, पतीले से देग सस्ती आएगी, 7-8 हज़ार की। अच्छा ये अभी बात है, चमचा भी चाहिए, उसका कड़छा भी लेना पड़ेगा, वो बड़ा सा जो होता है। थाल भी लेना पड़ेगा दाम देने, वैसे ही मिल जाता है। हाँ थाल वो किराए पे ले आएंगे। हाँ आसन भाई तो देगे बनाते रहे हैं, उसका चोला भी अपना लेना पड़ेगा। नहीं वो पहले के दौर में बनाते नहीं थे, नीचे खडूली लगा के खड्डा मार के ऐसे वैसे बनाएंगे चाहे हम, ये तो अभी आए हैं वो चूल्हे वाले सिस्टम में जो होते हैं ना, वो खड्डे होते हैं। हाँ खड्डे लगा के नीचे बनाते हैं, अब कल आज कल आ गया है वो चूल्हे वाले सिस्टम। चलें जी माशाल्लाह हमारे आज का व्लॉग भी मुकम्मल हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, सब बहन भाई देखने वालों ने भी दुआ करनी है। अभी हम चाहेंगे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह।